आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये मैंने अपनी बालकनी डेकोरेट की है और उसी की मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बिफोर वीडियो है कि मैंने कैसे डेकोरेट किया। दिवाली पे हम लोग डीप क्लीनिंग एंड घर के साथ सजावट तो करते ही हैं। ये मेरी छोटी सी बालकनी है एंड मैं इसको ज़ीरो कॉस्ट में डेकोरेट करने वाली हूँ, वो भी मेरे पास जो एग्जिस्टिंग स्टफ़ है उसी के साथ। ये बाहर का नज़ारा मेरे बालकनी से जो दिखता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स भी रखे हुए हैं, बट यू नो जैसे प्लांट्स को रखते हैं तो उनके लीव्स वगैरह वो सब नीचे बालकनी को हमेशा गंदा करती ही हैं, तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। फर्स्ट मैंने यहाँ पर नीचे से क्लीनिंग किया, पूरा अच्छा पानी से इसको वॉश कर लिया। क्लीनिंग के बाद ऊपर मैंने एक लैम्प लगाया हुआ है। ये लैम्प मैंने अपनी बीच कैप से बनाया हुआ है एंड बहुत ही इजी है इसको बनाना। मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे बनाया था। ये मनी प्लांट है जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको भी आज प्रॉपरली अलाइन करेंगे हम इसी वीडियो में। एंड उसके बाद ये मेरे पास कुछ पोट्स हैं एंड क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे रेनी सीज़न अभी कुछ टाइम पहले ही ओवर हुआ है, हार्डली 1 मंथ पहले। सो रेनी टाइम पे मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो ओवर वाटर की वजह से डेड हो जाते हैं, इसलिए मैंने अभी तक कोई न्यू प्लांट्स नहीं लगाए। बट अभी ये अच्छा सीज़न है फ्लावर्स के प्लांट्स प्लांट करने के लिए। अभी इसको अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। ये मेरा तुलसी का दिया है, ये नॉर्मल दिया था, ये भी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर ही इसको डेकोरेट किया था, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे का क्लीनिंग प्रॉपरली हो गया है। अभी मैं दो ड्रिल कर लिए हैं, मैंने दो ड्रिल मशीन की हेल्प से एंड मैं उस पर जूट की केबल को टाई कर रही हूँ। सो इससे क्या होने वाला है कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग को मल्टीपल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मल्टीपल ड्रिल्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जूट के दोनों एंड्स को अलग अलग पोजीशन में टाई कर दिया और बीच में सपोर्ट के लिए एक नेल यहाँ पे फिक्स किया है। इसमें मैं जूट की रॉप को अच्छे से टाई करके नॉप लगा के उसको और उस पर वहाँ पर सपोर्ट में हैंग कर दूँगी। थोड़ा सा रिस्की था बिकॉज नीचे ऑब्वियसली दूसरी टेरिस है, दूसरे पर्सन की टेरिस है, तो डर भी लग रहा था एंड हम टफन ग्रास की ग्रिल पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा वेट कैरी करेगी। ये जस्ट एक स्पोर्ट के लिए होता है बट वो हमारा वेट कैरी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। मैंने यहाँ पे टाई कर दिया, अभी मैं दूसरे एंड को करूँगी। यहाँ पर मैंने दूसरे एंड को भी टाई कर दिया एंड यहाँ पर ये जूट की रॉप अच्छे से रेडी है स्पोर्ट के लिए। देखिए इस तरह से जूट की रॉप रेडी है। मैंने इस तरह से एक साइड में विंडो के फ्रेम पर इसको टाई कर दिया, तो मुझे सिर्फ दो ही ड्रिल्स करने की ज़रूरत पड़ी। अभी मैं अपनी लाइट स्ट्रिंग को लगा रही हूँ। स्ट्रिंग लाइट लगाने के बाद फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ करवा चौथ के करवे थे जिनको मैंने पेंट करके रखा हुआ है, उनको यहाँ पर इस तरह से हैंग कर दिया है। उसके बाद मैंने मनी प्लांट को यहाँ पर हैंग किया एंड इसके जो लंबी लंबी मनी प्लांट की स्टेम्स निकली हुई थी उनको मैंने ऊपर पॉट पर ही रैप कर दिया अच्छे से, सो दैट ये और सुंदर लगे। ये गणेश जी का डेकोर पीस है, बहुत ही सुंदर हैंड क्राफ्टेड, सो मैंने इसको यहाँ पर हैंग किया है सो दैट मेरी वॉल भी कवर हो जाएगी। एंड इस तरह से स्ट्रिंग्स भी पूरी हो गई है। लैंप को यहीं पर मैंने रखा एंड लैंप की जो एक्स्ट्रा केबल थी उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन में नॉट कर दिया है सो दैट एक्स्ट्रा केबल इधर उधर मतलब गंदी ना लगे, वो सुंदरली अच्छे से हैंडल हो जाए। एंड ये है शाम को लाइट्स ऑन करने के बाद का व्यू। आई होप आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया है एंड वन मोर अनाउंसमेंट गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं
एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज अपकमिंग टाइम पीरियड में मैं कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स एंड कुछ और क्रिएटिव ब्लॉग्स वगैरह लेके आने वाली हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द वीडियो.